दोस्तों साल 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो ग्रह को सौरमंडल की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था क्योंकि इसका आकार काफी छोटा था। लेकिन अब 15 साल बाद वैज्ञानिकों को फिर से 9वें ग्रह की उम्मीद नजर आई है। शायद सौरमंडल में फिर से ग्रहों की संख्या 9 हो सकती है। हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हमेशा से ही वैज्ञानिकों और पृथ्वीवासियों के लिए एक अनसुलझी पहेली रहा है। वैज्ञानिकों ने प्लूटो को 2006 में 9वें ग्रह के तौर पर खारिज कर दिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि करीब 15 साल बाद एक नया ग्रह प्लूटो की जगह लेगा। हालांकि अभी यह पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों और सौरमंडल में 9वें ग्रह के शुरुआती सबूत मिल चुके हैं। आसपास के वातावरण और ग्रेविटी फोर्स के आधार पर ही प्लेनेट 9 को सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में शामिल किया जाएगा। अभी तक इसके ग्रह होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक यह ग्रह करीब 7,500 साल में सूर्य के चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लेनेट 9 की खोज में अभी काफी समय लग सकता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 6 गुना बड़ा है, लेकिन यह बताना काफी मुश्किल है कि यह ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानी रूप में है या फिर सिर्फ गैस का गोला है। अगर इस ग्रह को सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में मान्यता मिलती है तो यह कई तरह से हमारी समझ को बदल देगा। सौरमंडल में फिर से एक बार ग्रहों की संख्या 9 हो जाएगी। प्लूटो से पहले वरुण भी 1846 में हमारे सौरमंडल के रोस्टर में शामिल किया गया था। अंतरिक्ष विज्ञान की खोज में गुरुत्वाकर्षण कई तरह से वैज्ञानिकों की मदद करता है। इसका संबंध सूर्य की परिक्रमा लगाने से होता है और इसी आधार पर ही किसी ग्रह को सौरमंडल के ग्रहों में मान्यता मिलती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस ग्रह को हमारे सौरमंडल के ग्रहों में शामिल करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।